हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये आपके लिए मैं एक चार्ट तैयार किया हूँ जो कि बोल्ट का स्पैनर साइज आप इस चार्ट के जरिए बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। इस तरीके से पाइपिंग में जो फ्लैंज होता है, फ्लैंज में जो बोल्टिंग होता है उसमें कितने साइज का स्पैनर लगेगा वो आप चार्ट के जरिए बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। तो जो बोल्ट में जो लिखा हुआ रहता है स्टड का, जो साइड में देख सकते हैं इस तरीके से M10, M12, M16, M14, तो इस तरीके से चार्ट के जरिए आप बिल्कुल आसानी से इस तरीके का स्पैनर का साइज आप पता कर सकते हैं ये चार्ट के जरिए। स्ट्रक्चरल में भी जो बोल्ट होता है देख सकते हैं इस तरीके का, जो स्ट्रक्चरल में जो बोल्ट होता है जो एक तरफ थ्रेड होता है और एक तरफ फिक्स होता है, तो उसका भी आप इसमें जो है बोल्ट का स्पैनर साइज पता कर सकते हैं। या फिर इस तरीके का स्टड वाला जो बोल्ट है उसका भी ये जो है स्पैनर साइज जो है पता कर सकते हैं। तो इसका हम कैसे चार्ट देखेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और यहाँ पर उसका डाउनलोड का यहाँ पर बटन दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा वेबसाइट का नाम है fittertraining.com, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप आ सकते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं fittertraining.com, वहाँ से आप आ सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। इस चार्ट को कैसे देखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोल्ट के जो साइड में लिखा हुआ रहता है, यानी कि फ्रंट में ये जो बोल्ट है इसके साइड में, यहाँ पर फ्रंट साइड में यहाँ पर इस तरीके से नंबर लिखा हुआ रहता है ये वाला, जैसे यहाँ पर लिखा गया M10, M12, M14, वो आपको देख लेना है कि M10, M14 लिखा गया है या फिर इस तरीके से इंच में लिखा गया है। देखिए 5/16, 1/, यहाँ पर 5/8 है। तो इस तरीके से अगर बोल्ट के ऊपर इंच में डायमेंशन अगर लिखा गया है तो उसका भी आप स्पैनर साइज ये निकाल सकते हैं, या फिर ये M10 या फिर M12, M14 इस तरीके से लिखा गया होगा। तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ लिखा गया होगा तो जो स्ट्रक्चरल में जो बोल्ट होता है उसका यहाँ पर ये साइज देखने के लिए, यहाँ पर ये स्पैनर साइज है। M12 अगर लिखा है या फिर 1/2 लिखा है तो उसमें 21 का पाना लगेगा, 21 का पाना लगेगा। या फिर M16 लिखा गया है या फिर 5/8 लिखा गया है तो वहाँ पर 27 का पाना लगेगा। सेम उसी तरीके से जैसे M16 लिखा गया है तो जो पाइपिंग में जो स्टड बोल्ट वाला जो है वो यहाँ पर इसका डायमेंशन दिया गया है, देख सकते हैं ये जो है स्टड बोल्ट वाला है। देखिए यहाँ पर इस तरीके का जो होता है स्टड बोल्ट, उसका डी डायमेंशन आपको देखना है कि उसका कितना mm डायमेंशन है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया थ्रेड का डायमेंशन कितना mm है, तो उसका यहाँ पर जो दिया गया है सब नंबर, जैसे M10 दिया गया तो 10 mm होता है, M18 दिया गया तो 18 mm होता है, M22 दिया गया तो 22 mm होता है। तो इस तरीके से आप जो है ये स्पैनर साइज इस तरफ में ये वाला दिया गया है। तो M10 में जो लगेगा वो 17 का पाना लगेगा, और यहाँ पर M24 दिया गया है तो वहाँ पर 36 का पाना लगेगा, यहाँ पर M42 दिया गया है तो वहाँ पर 65 का स्पैनर लगेगा, और यहाँ पर M60 दिया गया है तो यहाँ पर 90 का स्पैनर लगेगा, और यहाँ पर M80 लिखा गया है यहाँ पर आपको 115 का स्पैनर लगेगा, यहाँ पर M90 लिखा गया है यहाँ पर 130 का स्पैनर लगेगा, और M110 लिखा गया है तो 155 का स्पैनर लगेगा। यहाँ पर स्पैनर साइज भी वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि कितने साइज का ये स्पैनर है। तो ये जो हमारा बोल्ट का जो यहाँ पर S जो डायमेंशन है वहाँ पर ये वाला डायमेंशन है, और इस साइड में जो कॉलम में ये जो लिखा गया है ये इंच साइज में है। स्पैनर का जो साइज है वहाँ पर कभी कभी इस तरीके से भी किसी किसी स्पैनर पर लिखा हुआ रहता है 1/2, 9/16, 3/4, 13/16, इस तरीके से भी स्पैनर के ऊपर जो है साइज लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो वो भी इसमें हमने लिख दिया है। तो इंच में अगर डायमेंशन लिखा गया है स्पैनर के ऊपर, जो नंबर होता है स्पैनर के ऊपर किसी किसी में इस तरीके से इंच में भी डायमेंशन लिखता है या फिर mm में भी लिखता है। तो यहाँ पर ये वाला जो डायमेंशन है इस तरीके से किसी पर आपको 90, 22, 24 मिलेगा, या फिर आपको 13/16, 15/16 इस तरीके से आपको हो सकता है कि आपको डायमेंशन मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है स्पैनर साइज mm S, और ये भी S साइज है, यानी कि S हम जहाँ का देख रहे हैं वो ये वाला S साइज हो गया, और ये जो है थ्रेड D डायमेंशन, ये दोनों D का डायमेंशन है, देख सकते हैं ये थ्रेड का जो D डायमेंशन है उसी का यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया ये दोनों लाइन में, और ये जो स्ट्रक्चरल में जो बोल्ट होता है उसका ये स्पैनर साइज है ये वाला। तो स्ट्रक्चरल में ज़्यादा हैवी बोल्ट नहीं लगता है कहीं कहीं पे, तो इस तरीके का सिर्फ यहाँ पर इतना ही साइज है इस तरीके का जो बोल्ट होता है। तो यहाँ पर उसका स्पैनर जो साइज है वो इस तरीके से ये रहेगा बोल्ट का। तो इसका हमने यहाँ पर डाउनलोड लिंक दे दिया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड ये हमारा वेबसाइट का नाम है fittertraining.com, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप आ सकते हैं।